हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश में कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जो है फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन लेटर, आज है राइटिंग एप्लीकेशन लेटर, इंटरव्यू एटिकेट, फॉर्म फिलिंग, फाइनल इवेल्युएशन एंड लास्ट में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने कंक्लूजन में जानी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक राइटिंग एप्लीकेशन लेटर। हालांकि हम सब जानते हैं कि एप्लीकेशन लिखना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आपको छुट्टी लेनी हो, फीस माफ़ करानी हो, एडमिशन लेना हो या जॉब में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना हो, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे अलग अलग या आपको अलग अलग एप्लीकेशन लिखने पड़ते हैं। तो उन एप्लीकेशंस को कैसे लिखते हैं, क्या मैनर्स होते हैं उनके लिए और एप्लीकेशंस होते क्या हैं, आज उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एन एप्लीकेशन लेटर इज अ स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट यू सबमिट टू अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन एन ओपन पोजिशन। एप्लीकेशन लेटर क्या होता है? एक ऐसा लेटर होता है आपके द्वारा लिखा हुआ या टाइप किया हुआ, जो कि किसी जॉब के लिए या किसी आपके इंटरेस्ट के लिए किसी को दिखाता है। इट मींस कि एप्लीकेशन लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप सबमिट करते हैं किस चीज़ के लिए, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। किसके लिए? किसी कंपनी के लिए। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब एप्लीकेशन लेटर एक्सप्लेन हु यू आर एज अ प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल। यानी एप्लीकेशन लेटर क्या एक्सप्लेन करता है कि आप एग्जैक्टली क्या हैं, प्रोफेशनल हैं या आप इंडिविजुअल हैं। तो एप्लीकेशन लेटर हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है, चाहे वो जॉब के लिए हो या एडमिशन के लिए हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेशन लेटर्स के, यानी हम एप्लीकेशन लेटर्स कैसे लिख सकते हैं। ये एप्लीकेशन लेटर्स हम पेन पेंसिल का भी यूज करके लिख सकते हैं या जब किसी को मेल करते हैं तो मेल पे भी लिख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले यह है कि आपके पास गुड राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। यानी आपको जो भी एप्लीकेशन लिखना है उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, किस क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे लिखते हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है कि आप अपनी एप्लीकेशन लेटर को कितना क्रिएटिव बना सकते हैं जिससे कि वो काफ़ी इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव लगे। तो थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग ग्रामर, यानी आपको वो ग्रामर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब भी आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो या हिंदी में भी लिखते हैं तो आपको वो चीज़ें, वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस बहुत सटीक और आपको एग्जैक्टली उसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेलिंग एबिलिटीज। एप्लीकेशन लेटर में हमें स्पेलिंग कभी भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आप अगर सच में एप्लीकेशन एग्जैक्टली आपको बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पेलिंग पे बहुत ही अधिक ध्यान देना पड़ता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आप सामने वाले को बताने वाले या जो आप कहना चाहते हो उसका इफेक्ट सामने वाले के ऊपर कैसे पड़ता है, वो उस एप्लीकेशन लेटर में दिखना चाहिए। सेल्फ प्रमोशन एंड मार्केटिंग एबिलिटीज, आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे ही करेंगे, प्लस आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, जॉब के लिए हो तो आप जॉब में कैसे फिट बैठते हैं, वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए। थिंकिंग एबिलिटीज, आपके एप्लीकेशन लेटर से वो चीज़ दिखना चाहिए कि आप कितना अधिक अच्छे से सोच सकते हैं या उनकी आपकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं। नेक्स्ट जानते हैं, हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर। हम कोई जॉब एप्लीकेशन लेटर को कैसे लिख सकते हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि एप्लीकेशन लेटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं कि हम कैसे एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होता है। सबसे पहले होता है रिव्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड पोजिशन। हमें जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना है तो हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए और जिस जॉब के लिए, जिस पोजिशन के लिए या जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, यूज़ अ प्रोफेशनल फॉर्मेट। हमें एग्जैक्टली हर एप्लीकेशन लेटर के लिए एक अलग से फॉर्मेट होता है तो वो फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो फॉर्मेट हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। क्रिएटिव द हेडिंग,
हमें हेडिंग्स का बहुत अधिक ध्यान देना होता है अपनी अपनी एप्लीकेशन एड्रेस में, कि हम हेडिंग का यूज़ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज एड्रेस द लेटर टू द हायरिंग मैनेजर, यानी आप अपनी एप्लीकेशन लेटर में जो एचआर आपके जो इंटरव्यू लेता है या जो आपकी ज्वाइनिंग कराता है उसका एड्रेस यानी वो किस कंपनी से है उसका भी मेंशन करना होता है। फिर ओपन द लेटर बाय डिस्क्राइबिंग योर इंटरेस्ट, हम जब भी लेटर लिखने की शुरुआत करते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं कि हमारा किस किस फील्ड में क्या क्या इंटरेस्ट है, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज आउटलाइन योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस, आपको अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस को आउटलाइन करना होता है, इट मीन्स उसको आपको ग्लो करना होता है, दिखाना होता है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज ये एक्सपीरियंस है, जिससे कि आप बाकी लोगों से डिफर करते हो आपको चीज से। नेक्स्ट है इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, यानी आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन लेटर में। एक्सप्रेस अप्रिसिएशन, आप ऐसा एप्लीकेशन लेटर लिखिए जिससे कि आपको अप्रिसिएशन मिले, इतनी आपको अप्रिशिएट की जाए। दूसरा नेक्स्ट है जो लास्ट में हम क्लोजर करते हैं, तो लास्ट के हम देखते हैं कि हर जॉब के लेटर में लास्ट में थैंक यू या कुछ रेस्पेक्टफुल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो कि क्लोजर साइन होता है, तो हमें लेटर को क्लोज करते वक्त अपने नाम के साथ साथ अपना रिसेंट जो आप जिस पोस्ट पे हैं या रिसेंट जिस जो आप कर रहे हैं वो चीज़ें उस पर मैंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन लेटर, यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन लेटर का कि हम एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि उस फॉर्मेट को कैसे हम दिखाते हैं। सबसे पहले जो ऊपर होता है वो हाँ होता है किसी, अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो वहाँ प्रिंसिपल का नाम होगा, किसी स्कूल का स्कूल का नाम होगा, या किसी अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको लीव चाहिए सीक लीव चाहिए, आप बीमार हैं उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है लेटर लिखना होता है। इस समय के दौर में क्या होता है कि लेटर्स तो कम लेकिन आपको ऑनलाइन मेल ज़्यादा लिखना होता है, अगर कंपनी मेल से ही काम होता दिखता है तो आप मेल लिख सकते हैं कंपनी को, अपने एचआर को या अपने सुपरवाइजर को, अपने सीनियर्स को आप मेल लिखते हैं, उस मेल में रिस्पेक्टिव वर्ड्स लाइन सेंटेंसेस इस चीज़ों का ध्यान आपको देना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग्स की, तो हेडिंग्स क्या होने चाहिए आपके सबसे ऊपर, जो भी आपका सुपरवाइजर है वो किस कंपनी में है, कंपनी का नाम भी होना चाहिए सबसे पहले आप जिसको लेटर लिखना चाहते हैं वो, फिर सेकेंड है आप कंपनी नाम वो यानी वो जो डायरेक्टर आपका है या जो भी प्रिंसिपल है वो किस स्कूल से बिलोंग करता है, तो उस स्कूल उस कंपनी का नाम हमें सेकेंड में देना चाहिए। फिर सब्जेक्ट, आप क्या लिखना चाहते हैं, किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पेक्टेड सर, ये आपको हर लेटर में आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे हमने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन फॉर सीक लीव, हमने छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखा है जिसमें हमने क्या कहा है, विथ रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंडली अटेंशन दैट आई एम सीरियसली इल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट टू डेज एंड इट टेक्स टाइम टू गेट रिकवर्ड, ड्यू टू दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू कम टू ऑफिस फॉर अ वीक, यानी हमें एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए और उस एक हफ्ते की छुट्टी के लिए हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, यानी आप बीमार हैं अगर आप कमजोरी है या फिर आप बुखार है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रीज़न डिफाइन करते हैं कि नहीं मुझे कब से कब तक के बीच में लीव चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में आप जब देखा कि ये आपका मैसेज होता है जो आप पास आउट करते हैं अपने सीनियर्स को, फिर यहाँ पे लास्ट में डेट होता है कि आपको कब तक छुट्टी चाहिए, फिर आप उनको क्या करते हैं अप्रूव के लिए अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन देते हैं कि वो काइंडली वो अप्रूव कर सके, फिर लास्ट में अपने आप को आप समझाते हैं अपने आप को अपना डिक्लेरेशन देते हैं यहाँ पे कि आप कौन हैं क्या हैं और किस पोजीशन पे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, तो वही चल बढ़ते हैं आगे। इंटरव्यू एटिकेट, इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का
बड़ी चीजों का हमें हमेशा ध्यान देना पड़ता है। आप देखेंगे कि इंटरव्यू का नाम सुनते ही कई सारे लोग के मन में एक डाउट होता है कि वो इंटरव्यू क्वालिफाई कैसे करेंगे या क्रैक कैसे करेंगे, या वो ऐसी क्या एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे कि इंटरव्यू को काफ़ी अच्छा लगे। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। और सबसे पहले जानते हैं कि इंटरव्यू होते क्या है। इंटरव्यू एक बेसिक स्टेप होता है जब भी किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हम असाइन करते हैं या जॉब के लिए बुलाते हैं, तो उनका इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि एग्जैक्टली जिस बंदे को हम बुला रहे हैं उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, यानी वो हमारे मैनर्स, वो हमारे सेट ऑफ रूल्स पे ठीक से एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, या जो भी हमारे मापदंड है उस पर ये खरे उतर पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए हम इंटरव्यू लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंटरव्यू एटिक्वेट होते क्या है। एटिक्वेट कैन बी डिफाइंड सिंपली एज अ सेट ऑफ ऑल गुड मैनर्स, यानी जितने भी गुड मैनर्स होते हैं इंटरव्यू के दौरान उनको बोलते हैं एटिक्वेट। क्या बोलते हैं? एटिक्वेट। ठीक है, सभी गुड मैनर्स, सेट ऑफ ऑल गुड मैनर्स, यानी सभी गुड मैनर्स का एक सेट, यानी अच्छे अच्छे तरीकों का एक सेट। हम आगे जानेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज क्या डोंट्स, ये सब चीज़ें आपको हम समझाएंगे। तो इट इज़ अ लैंग्वेज यूज टू रिलेट योर रेस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन टू अदर्स। आप जब भी कभी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और हर वर्ड में, आपके हर वर्ड में कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये आपके इंटरव्यू के बेसिक एटिक्वेट्स हैं। और जानते हैं हम आगे कि भी आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इंटरव्यू में, किन किन बातों का ध्यान देना होता है और एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है, वो सब चीज़ें हम जानते हैं। इंटरव्यू एटिक्वेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, वो हम देखते हैं। टाइम इज एवरीथिंग, डोंट बी लेट, यानी हमें हमेशा, चाहे वो इंटरव्यू हो, जॉब हो, लाइफ हो या कुछ भी हो, हमें हमेशा टाइम का ख्याल रखना चाहिए। जितना हो सके हमें हमेशा ऑन टाइम होना चाहिए। इन द केस अगर आपको लगता है कि आप लेट होने वाले हो, तो आप पहले से ही वो चीज़ें करने की कोशिश करिए। हमेशा जब भी टाइम हो तो टाइम से 10 मिनट 5 मिनट पहले आप हर जगह पहुँचने की कोशिश करिए। ये कहीं ना कहीं एक गुड मैनर और सेल्फ डिसिप्लिन का एक आपके सेल्फ डिसिप्लिन को एक्सप्रेस करता है। दूसरा है ड्रेस टू इम्प्रेस, यानी आपकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग उसको देख के इम्प्रेस हो, क्योंकि बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कैसे है कैसे नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रेसअप को मैनेज करेंगे। देन नो देयर नेम, आप जिस कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको कंपनी के नाम, कंपनी के बारे में नाम और कहीं ना कहीं अपने बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कंपनी के बारे में तो पता होना चाहिए, कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी का करती क्या है, वो किस तरह के परफॉर्मेंस को अप्रूव करती है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस योर हैंडशेक। आपको क्या करना होता है, आपको हैंडशेक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि जब भी आप जॉब जाते हैं तो अपने सीनियर से आप कैसे बात करते हैं या उनसे कैसे मिलते हैं, उनसे हैंडशेकिंग कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हैव अ ड्रिंक। आप जब भी कभी बाहर जाएं तो अपने पास एक पानी का बोतल हमेशा रखें, हैव अ ड्रिंक। टर्न योर मोबाइल ऑफ, जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो आप अपने मोबाइल को हमेशा स्विच ऑफ करके ही रखना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो किसी का। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। आपको जब भी किसी से आप बात करते हैं या आप इंटरव्यू कभी कराते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज से ज़्यादा लोग आपके बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके गेस्चर्स को ही नोटिस करते हैं। तो हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल और सरल रखना होता है। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, आप जिस भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, तो आपको होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डोंट ओवर शेयर, कभी भी बहुत चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स
बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए वहाँ पे जो कि बाकी लोगों के लिए आपका इम्प्रेशन डाउन कर दे। ठीक है, शो ग्रेटिट्यूड, यानी आप सबसे अच्छे से मिलते हैं, बातें करते हैं, आपका ध्यान सब पे होना चाहिए कि कौन क्या कैसे बोल रहा है, और लास्ट में कहीं ना कहीं आपको सबको ग्रीट करना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ता है। आप ये चीज़ें अगर इंटरव्यू में ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस के अलावा, आपकी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स के अलावा, चीज़ें बहुत ज़्यादा ही इजी हो जाती हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू में आपको ध्यान देना होता है, तो आप हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं आगे की टॉपिक में। हाँ, इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए, इंटरव्यू एटिकेट डोज, हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे, दो स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए आपके इंटरव्यू में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अराइव एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स प्रायर टू योर इंटरव्यू। जैसा कि हमने आपसे कहा कि बी ऑन टाइम, आपको हमेशा टाइम पे रहना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बातें ध्यान देनी होती हैं कि जब भी आपको जो टाइम दिया जाता है, आप टाइम से 10 मिनट 15 मिनट पहले ही पहुंच जाइए। जानते हैं ये क्या शो करता है, ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन को शो करता है, जो कि किसी भी एम्प्लॉयर को बहुत पसंद आता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन है। दूसरा, टर्न ऑफ योर मोबाइल, आपको हमेशा इंटरव्यू के दौरान अपने मोबाइल को हमेशा स्विच ऑफ रख देना चाहिए, ताकि आपका ध्यान ना बटे, ना ही इंटरव्यूअर का और ना ही आपका। थर्ड वन इज, जो कि बेसिक चीजें हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, वियर अ सूट और फॉर्मल ड्रेसअप रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ रोल एंड कंपनी, यानी जैसा भी आपका जॉब रोल है या कंपनी कैसी है, उस तरीके से आपका ड्रेसअप होना चाहिए। लेकिन बेसिकली मोस्टली क्या होता है कि आपको फॉर्मल ड्रेसअप ही पहनना होता है वहां पे इंटरव्यू के वक्त। अगर आप फॉर्मल में होते हो तो आपका इम्प्रेशन अलग ही बनता है। ये कहीं ना कहीं आपके सक्सेस ऑफ इम्प्रेशन को दिखाता है, यानी आप कैसे हैं या आप एग्जैक्टली आपके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं आपका ड्रेसअप वो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। द नेक्स्ट वन इज, टेक अ फ्यू कॉपीज ऑफ योर फुली अप टू डेट सीवीज, यानी जब जो भी आपका रिज्यूम है वो पहले से, पहली बात कि आपका अपडेट होना चाहिए उस पर, जो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें आपका एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं करेक्टली आपको वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, और उसकी फोटोकॉपी आपके पास अलग से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही रिज्यूम लेके गए और कंपनी के पास गए, जब उन्होंने मांगा दे दिया, आपके पास वो बचा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक्स्ट्रा कॉपीज होनी चाहिए अपने सीवी रिज्यूम की। ग्रीट एवरी वन यू मीट विथ कर्टसी एंड रिस्पेक्ट, यानी आपको हमेशा सबको, जितने लोग भी हैं अभी इंटरव्यू रूम में या जहाँ भी आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप जितने लोग भी हैं, आपको क्या होता है उनको स्माइली से या स्माइल से या सबको ग्रीट देना चाहिए। इट मीन्स आपको सबको सम्मान देना चाहिए, सब सबसे बात करनी चाहिए, सबसे मिलना जुलना चाहिए, और सबको सबसे बड़ी बात रेस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका पहला इंप्रेशन वही होता है, रिस्पेक्ट। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। लिसन केयरफुली व्हेन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप उस क्वेश्चन को, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इनफैक्ट जब भी इंटरव्यू में आप बैठे तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप कितने ध्यान से चीजों को सुन रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है इंटरव्यू के लिए। दूसरा होता है, नेक्स्ट है, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप बहुत क्लियर और बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है वहां पे। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको वो इंटरव्यू के 20% को दिखाता है, यानी आप 20-30 अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है और आप सही रिप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका 20 to 30% आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो। नेक्स्ट है, मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, आप इंटरव्यू में हो या कहीं बाहर हो या किसी से बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपना आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखना पड़ता है। आप जब भी किसी से मिले, बातें करें या कुछ शेयर करें तो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले से आई कांटेक्ट बना के रखना होता है,
ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ऐसा नहीं कि आप उसे लगातार आप घूरते रहो, लगातार घूरने से भी सामने वाले को एम्बेरस फील होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका 60-40 या 70-30 का रेशियो होना चाहिए कि आप 70% उसको ध्यान से सुने देखें और 30% आप यहाँ वहाँ उनके अगल बगल चीज़ों को देख सकते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, एक्सप्रेस योर स्किल व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी ज़रूरत हो आप अपनी नॉलेज को, अपने कॉन्फिडेंस को ज़रूर दिखाएं, लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिपेयर सम क्वेश्चन टू आस्क द एंड ऑफ द इंटरव्यू। आपके पास पहले से कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जब भी इंटरव्यू आपका एंड होता है या एंड के लास्ट तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि कैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कब हो सकता है ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे जानते हैं हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक तो हमने जाना कि इंटरव्यू में हमें क्या क्या करना चाहिए, अब जानते हैं एग्जैक्टली कि इंटरव्यू में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यानी आपको इंटरव्यू में क्या कहीं भी, क्योंकि स्मोकिंग हमेशा हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। तो आपको कभी भी, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, तो कभी भी आप स्मोक करके नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, डोंट स्लाउश इन योर चेयर और बैग इट, यानी कभी भी आपको चेयर पे जब भी बैठे तो स्ट्रेट बैठे, सीधे बैठे और सामने देखते रहें, कभी भी झुक के या अपने पूरे बॉडी को टेढ़ा करके कभी नहीं बैठना चाहिए या बाइंड करके कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बॉडी को प्रॉब्लम तो होगी होगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं इंटरव्यू के वक्त। नेक्स्ट है, डोंट यूज स्लैंग वर्ड्स। आप कभी भी बैड वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, ये आपको कभी नहीं करना चाहिए, कहीं भी आप कहीं भी हो, आपको ये बैड मैनर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैड मैनर्स में आते हैं, ये आपको बैड वर्ड्स, स्लैंग वर्ड्स या ये सब चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए। डोंट टॉक टू फास्ट एंड वफल, कभी भी किसी बात का रिप्लाई बहुत जल्दी से नहीं देना चाहिए, ये आपके हेजिटेशन और नर्वसनेस को दिखाता है, आपके कहीं ना कहीं लेस कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है और कहीं ना कहीं आप बहुत घबरा रहे हो। तो इंटरव्यू में हालांकि जाहिर सी बात है कि घबराहट होती है, लेकिन अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं करना है किसी सामने वाले को कि मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। नेक्स्ट है, डोंट डिस्कस कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स सच एज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। कभी भी जब आप ग्रुप में हो या इंटरव्यू हो रहा हो, तो आपको ऐसे कोई भी टॉपिक्स नहीं उठाने चाहिए, ऐसे किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करने चाहिए जो कि कंट्रोवर्शियल हो। लाइक अगर आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है और वहाँ पे आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, बचना चाहिए कि कभी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक से हमें हमेशा बचना चाहिए। डोंट बी नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव होते हो तो 20-25% पॉजिटिविटी की वजह से ही आप कॉन्फिडेंट होते हो। ये पॉजिटिविटी दिखाती है कि आप वाकई में कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो कभी भी लाइफ में आपको नेगेटिव नहीं होना, हर चीज़ के लिए आपको पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट है, डोंट क्रॉस योर आर्म। जब भी आप इंटरव्यू रूम में बैठे हो या किसी के सामने बैठे हो, तो अपने हाथों को भी मोड़ के नहीं बैठना चाहिए, चाहे चेबर चेयर पे हो या टेबल पे हो, तो कभी भी अपने हाथों को मोड़ के नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है, डोंट स्टेयर फॉर टू लॉन्ग। आप किसी को लगातार घूर नहीं सकते, क्योंकि वो सामने वाले के लिए अच्छा नहीं होता, वो सही फील नहीं करता। तो कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू में जो कि आपके इम्प्रेशन को ख़राब करें। तो ये थे आपके डोज एंड डोंट्स, दो चीज़ें थी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इंटरव्यू में आपके के लिए बहुत हेल्प करता है और कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू क्रैक करने में या क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प मिलेगा।
नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक थी फॉर्म फिलिंग। आप सब जानते होंगे कि फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या होता है, तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिलिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो फॉर्म क्या होता है कि जब भी हम कहीं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, एडमिशन के लिए, या किसी टारगेट के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो हमें अलग अलग टाइप के फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं। ये फॉर्म क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रेगुलेशन एंड सेट ऑफ डिटेल्स के एक सेट होते हैं जिससे कि हम अलग अलग तरीके से फिलअप करते हैं। लाइक बेसिक आपका नाम, एड्रेस, आपकी कार डिटेल्स या आपके बैंक डिटेल्स, या ये सब चीज़ें होती हैं आपकी बेसिक डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए, वो होता है फॉर्म फिलिंग। तो ये फॉर्म फिलिंग क्या होता है, एक टेक्निक होता है जिसके द्वारा कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से फॉर्म को अगर फिलअप करते हैं, या वो फॉर्म क्या होता है, किसी पर्पज या किसी पोस्ट के लिए हो सकता है। नॉर्मली हम दो तरह के फॉर्म देखते हैं अधिकतर, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब सीधा सा है कि जिस जो कि हार्ड कॉपी या सो हार्ड कॉपी या किसी पेपर पे हमें फिल करना हो डिटेल, यानी उसमें पहले से फील बने हुए हैं, बस हमें उसको भरना होता है। जैसे आप कभी गवर्नमेंट आधार कार्ड का फॉर्म भर लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप आधार कार्ड का जो फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो आप ऑफलाइन भी आता है ऐसा फॉर्म, तो आप आधार कार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। या कोई जॉब होती है जो ऑनलाइन नहीं है, ये सिर्फ ऑफलाइन ही है, तो वहाँ पे अलग अलग अपना डिटेल, नाम, पता, ये सब चीज़ें, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ चीज़ें भर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको फोटो चिपकानी होती है, बाकी डिटेल जो भी डिटेल होती है वो सब फिलअप करना होता है। तो फॉर्म भी, ऑफलाइन फॉर्म भी कई तरीके के होते हैं, लाइक ओएमआरसी की तरह हो सकता है, या नॉर्मल सिंपली जो फॉर्म हम भरते हैं वो होता है, वो सीआर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है फॉर्म फिलअप के लिए। दूसरा होता है ऑनलाइन फॉर्म। जब हम कंप्यूटर पे इंटरनेट के द्वारा या किसी ऑफिशियल पेज के द्वारा या किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी पर्पज़ के लिए, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए जो वेबसाइट बनाए जाते हैं, वहाँ पे अगर हम अपनी डिटेल फिलअप करते हैं तो वो कहलाता है ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया, द ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड बाय द कंप्यूटर और मोबाइल ऑन स्पेसिफिक वेबसाइट फॉर अ स्पेशल पर्पस, यानी किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए हम स्पेशल पर्पस के लिए जब कभी फॉर्म भरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म। नाउ दिस टाइम इट मोस्टली यूज्ड इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इट इजी टू वेरीफाई द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्टिकुलर पर्पस। यानी इस समय ऑनलाइन फॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फॉर्म डिक्लेरेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और इजी भी होता है, तो इसीलिए हम इस समय ऑनलाइन फॉर्म की ज़्यादा डिमांड होती है। और इसके लिए हमें बेसिक डिटेल को स्कैन करके देना पड़ता है, लाइक फ़ोटो हुआ आपका, सिग्नेचर हुआ, कोई डिटेल्स हुई, बैंक डिटेल्स हुआ, कार डिटेल्स हुआ, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं उस फॉर्म के लिए। कुछ एग्जांपल के तौर पर हम जानते हैं, लाइक एडमिशन फॉर्म किसी स्कूल का, कॉलेज का हुआ, या कोई जॉब रिक्वायरमेंट हुई वहाँ के लिए हुआ, राशन कार्ड का हुआ, आधार कार्ड का हुआ, या पैन कार्ड का हुआ, और पासपोर्ट के लिए हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि ये सब ऑनलाइन ही होता है और हमें ऑनलाइन ही फिलअप करना पड़ता है। अब नेक्स्ट जानते हैं हम कंक्लूजन के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अब हम एक बार ये जान लेते हैं कि कंक्लूजन में कि एप्लीकेशन लेटर क्या होते हैं। एप्लीकेशन लेटर इज यूज्ड फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी राइट आवर रिक्वेस्ट, कंप्लेन एंड रिक्वायर्ड थिंग्स विथ यूजिंग रिस्पेक्टिव वर्ड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि एप्लीकेशन लेटर क्या होता है कि हम अलग अलग रीजन से अलग अलग कंपनी के लिए लिखते हैं, लाइक आपको छुट्टी लेनी हो तब लिखते हैं, प्रमोशन के लिए चाहिए तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट आ सकते हैं, या कोई कंप्लेन करना हो किसी का तो भी कर सकते हैं। तो आप अगर कंपनी में जॉब करते हैं तो आप वहाँ पर भी अलग अलग एप्लीकेशन ले सकते हैं, किसी स्कूल में वर्क करते हैं तो वहाँ पर एप्लीकेशन ले सकते हैं, तो ये अलग अलग अपना मैनर होता है। दूसरा हमने पढ़ा इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर द जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है कंपनी में किसी को ज्वाइन कराने के लिए। सो वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू
विथ रिक्वायर डिटेल्स एंड फुल ऑफ मैनर्स एंड कॉन्फिडेंस। तो हमें अपनी डिटेल के साथ साथ और जो मैनर्स होते हैं इंटरव्यू में, उन मैनर्स को हमेशा ध्यान देना होता है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होता है। फिर नेक्स्ट है, व्हेन वी अप्लाई फॉर द जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू फिल द फॉर्म विथ रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो हम कहीं ना कहीं हम फॉर्म फिलअप भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अलग अलग फॉर्म फिल करते हैं। आपने आज जाना कि कैसे हम इंटरव्यू में क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या क्या कैसे करनी चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो हम जानते हैं कि एक बार कैसे सब चीज़ें हम जान सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें कैसे लगी और आपको आई थिंक काफ़ी हेल्प मिला होगा आज के टॉपिक से। तो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी ये चीज़ समझाएं। और अगर कोई इशू होता है या कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी सेफ और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।